नमस्कार दोस्तों सभी लोगों का स्वागत है आज के इस वीडियो में आज का ये वीडियो खास तौर के ऊपर उस बात से रिलेट करता हुआ नज़र आ रहा है जो इस समय के अंदर हम लोगों को कई कई जगहों के ऊपर होती हुई चिंता कई कई जगहों के ऊपर बढ़ते हुए ऐसे खतरनाक कदम जो आगे विश्व के अंदर देश के अंदर कई प्रकार की हानि पहुंचा सकते हैं कई प्रकार की घटनाओं को जन्म दे सकते हैं और कई प्रकार की ऐसी समस्याएं हम लोगों के सामने उत्पन्न हो सकती है जो हमारे समाज के लिए हम लोगों के लिए अव्यवस्था का कारण बने और वहीं दूसरी ओर इसी पहलू पे अगर मैं बात करता हूँ तो जो इसका दूसरा पहलू है वो दिखाई देता है कि ये समस्याओं का निदान भी इसी समय के मध्य के अंदर उठता हुआ नज़र आ सकता है अगर इस समय के मध्य के अंदर किसी भी प्रकार का किसी भी घटना को रोकने का प्रयास किसी भी प्रकार की समस्याओं को रोकने का प्रयास या कोई भी चल रहे ऐसे कारक जो कि हानि पहुँचा सकते हैं उनको रोकने का प्रयास किया जाए तो वो दुनिया के अंदर देश के अंदर समाज के अंदर एक शांति व्यवस्था बनाने का भी काम कर सकते हैं तो आज इन्हीं दोनों पहलुओं के ऊपर मैं बात करूंगा और बताऊंगा खास तौर के ऊपर क्या इस समय के अंदर एक ऐसा समय की उत्पत्ति होकर के बाहर आ रही है जो हमें दिखा रही है जो कारक बना रही है कि समय के अंदर नेगेटिविटी ही नेगेटिविटी दिखाई दे रही है वहीं दूसरी वीडियो के अंदर बात करेंगे कि क्या इस समय की शुरुआत होने के कारण कुछ लोगों का मानना है कि न्यूक्लियर वॉर जी हाँ फिर से बात करूंगा परमाणु बम परमाणु बम के इस्तेमाल का समय या फिर न्यूक्लियर एक्टिवेशन के इस्तेमाल का समय हमारे सामने निकल के आ गया है तो दोनों ही वीडियो के ऊपर बात करते हुए आगे बढ़ेंगे चर्चा करेंगे प्लीज़ जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और आइकन को ऑल पे करिए ताकि आप लोगों को आगे आने वाली अपडेट्स YouTube के नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाए जिस प्रकार से अभी तीन चार अक्टूबर को आप लोगों को मैंने बताया था अक्टूबर वाली वीडियो में कि सूर्य और शनि बहुत बड़ा कारक बनाते हुए जा रहे हैं शनि अब राहु के सतबिशा नक्षत्र के अंदर आते हुए नज़र आएंगे और ये सतबिशा नक्षत्र राहु का नक्षत्र है इस नक्षत्र के अंदर माया का बहुत बड़ा प्रचलन बहुत बड़ा चाल बहुत बड़ा समय हम लोगों के सामने आएगा वहीं जब कर्म के देवता इस समय के अंदर माया के प्रभाव के अंदर जाते हैं तो ये मानिए कि दुनिया के अंदर कई जगहों के ऊपर हलचल बढ़ती हुई नज़र आती है कई ऐसे कारक बनाते हैं जिसके कारण हम लोगों को बाहरी नुकसान उठाना पड़े कई ऐसे कारक बनाते हैं जिसके कारण हम लोगों को धर्म और धार्मिक चीज़ों धार्मिक संस्थान के कारण नुकसान उठाता हुआ दिखाई दे और एक बदलाव की लहर एक बदलाव की प्रक्रिया हमारे सामने उत्पन्न होती हुई नज़र आए वहीं दूसरी ओर सूर्य जिस प्रकार से कमज़ोर होते हुए जा रहे हैं और सूर्य के कमज़ोर होने का कारण ये दिखाता है कि अब आगे आने वाले टाइम के अंदर हम लोगों को बाहरी समस्या नब्बे दिन के लिए कई ऐसे नीति नियम कई ऐसे चैलेंजेस कई ऐसे लीडर्स के द्वारा उत्पन्न होने वाली घटनाएं का सामना करना पड़ सकता है ये प्रिडिक्शन पूरे विश्व के लिए है तो इसको ध्यान से समझिएगा ऐसा सामना करना पड़ सकता है जो जनता को डायरेक्टली हानि पहुंचाती हुई नज़र आए सिक्स हाउस जनता का हाउस इंपैक्ट करता हुआ नज़र आ रहा है इस समय के अंदर और नौ ग्रहों के स्वामी सूर्य इस समय के ऊपर चिंता का कारण भी बना रहे हैं वहीं दूसरी ओर तीन अक्टूबर शनि का शतभिशा नक्षत्र राहु का प्रभाव वक्री शनि का चीजों को एकदम से इम्पैक्टफुल करना एकदम से तेजी से आगे बढ़ाना और जाते जाते शनि देव का कर्म के दंडों का फल देना इस समय के अंदर हमारे सामने आता हुआ नजर आ रहा है वहीं अगर मैं बात करूँ डायरेक्शंस की तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन और नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर कुछ ऐसी घटनाएं जन्म ले सकती हैं जो घटनाएं आगे आने वाले साठ दिनों के लिए हम लोगों को बड़ी समस्या का कारण बनती हुई नज़र आए कुछ ऐसी घटनाएं जन्म ले सकती हैं जो आगे आने वाले टाइम के अंदर प्रभावी होती हुई नजर आए वहीं पर धर्म विरोधी तत्व इस समय के ऊपर ऐसे पनपते हुए नज़र आ सकते हैं जिस प्रकार से आपने देखा कि नरसुल्ला के मरने के बाद में लखनऊ के अंदर भी ईरान के प्रति जागरूकता दिखाई दी तो भारत के अंदर इस प्रकार कहाँ इस प्रकार की गतिविधियों का होना ये दिखाता है कि किस प्रकार से परिवर्तन अगर विश्व के अंदर हुआ तो उसका इम्पैक्ट भी भारत के ऊपर हुआ नजर आएगा और अगर इस इंपैक्ट दुनिया के अंदर इस गलत वाली गलत पंचायती गलत सीमाएं ऐसी सर्वशक्ति को उद्भन करने का कार्य करा जो कि दुनिया के लिए हितकारी ना हो तो वहीं पर यहां पे आने वाले समय के अंदर रक्तपात होता हुआ नजर आ सकता है तो हमें ये बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि कभी भी एक ग्रह का बदला हुआ नक्षत्र या एक ग्रह का बदला हुआ प्रभाव संपूर्ण रूप से असर नहीं दिखाता बाकी ग्रह भी उस जगह के ऊपर अपनी सिचुएशंस को होल्ड करके बैठे हुए होते हैं जिनकी ट्रांज़िट जिनका स्ट्रक्चर इस दुनिया के अंदर ऑलरेडी प्रभावी रूप से काम कर रहा है तो मंगल इस टाइम के ऊपर प्रभावी रूप से अपने आप को सम होते हुए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि मंगल आगे जाके अपने आप को फिर से कर्क राशि के अंदर जब जाएंगे तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन करेंगे और दुनिया के हालातों को बदलने का कार्य करेंगे अभी समय दूर है तो आगे आने वाले टाइम के अंदर इसके बारे में हम और बड़ी चर्चा करेंगे अब वो समय है जब दुनिया के ऊपर उस माया का उसका कब्जा होता हुआ नज़र आएगा जिसमें चीज़ों को देखने की चीज़ों को समझने की मानसिक स्थिति मानसिक प्रताड़ना की ऐसी छवि दुनिया के ऊपर चादर के रूप में ओढ़ती हुई नजर आएगी जिसमें हम एक दूसरे के प्रति भ्रम के कारक बनते हुए नजर आएंगे और फंसते हुए नजर आएंगे और हमें ये याद रखना पड़ेगा कि हम क्या करने के लिए जा रहे थे और किस प्रकार से वो गतिविधियां वो घटनाएं एक नया रूप लेकर के दुनिया के अंदर एक नई चाल चलती हुई नजर आ गई वहीं दूसरी और युद्ध की अगर मैं बात करता हूँ तो युद्ध एक बार फिर से अप्स एंड डाउन मूवमेंट के अंदर तेजी से विकराल होते हुए फिर होता हुआ नजर आएगा क्योंकि मैंने आप लोगों को यह बात बोली है कि शांति का कारक भी उत्पन्न होता हुआ नजर आ रहा है और ईरान की कुंडली के अंदर गुरु का बहुत बड़ा प्रभाव जो दिखा रहा है कि गुरु किस प्रकार से सिचुएशन को होल्ड करने का काम कर रहे हैं तो फिर से ऐसा ये समय उत्पन्न हो सकता है जिसमें अलग थलग हुए ये लड़ाई ये अलग थलग हुई है फिर से भूली जाए फिर से उत्पन्न होने से पहले एक बार शांति दिखाई दे जैसे बीस में तीन चार महीनों के लिए सारी व्यवस्था स्थापित हो गई थी एक शांति का माहौल उत्पन्न हुआ था दूसरी ओर मुद्दे छुड़ गए थे तो इस प्रकार से दोबारा ईरान और इसराइल का ये युद्ध एक एक शांति के प्रस्ताव या फिर एक बिना बिना प्रस्ताव के की गई शांति चुपचाप बैठ जाना अलग तलग हो जाना इस प्रकार की घटनाओं को जन्म देता हुआ नज़र आता है क्योंकि मिडल ईस्ट इस समय के ऊपर दुनिया के अंदर बहुत बड़ा प्रभाव बनाता हुआ नज़र आ रहा है दुनिया के अंदर उनके ग्रह ऐसी चाल चल रही हैं जो कि अरबियन देश के लिए अरब के देशों को जलाने का कार्य कर सकती है पूर्ण रूप से परिवर्तन की ओर लेकर के जा सकती है और ये परिवर्तन जिसमें मंगल और शनि का सडाष्टक योग भी शामिल होता हुआ नज़र आ रहा है और आगे आने वाले टाइम के अंदर गुरु का अतिचारी हो जाना ये दिखा रहा है कि प्रभाव किस प्रकार से अक्टूबर से लेकर के पंद्रह नवम्बर तक हम लोगों को प्रभावी रूप में आते हुए और उसके बाद में फिर से थोड़े समय के लिए शांत होते हुए Agora फिर फरवरी जनवरी के मार्च के आसपास उत्पन्न होते हुए नजर आते हैं तो ये कालगणना ये चक्र ऐसा प्रणाली है एक ऐसी समय सारणी है जिसको ना आप रोक सकते हो ना हम रोक सकते हैं ये बदलाव का वो नियम है जो सृष्टि और ग्रहों के द्वारा लिखा जा चुका है जिसको होना ही होना है और इसको अब हम लोगों को सत्य को समझना और सत्य को अपनाना ही पड़ेगा उम्मीद है आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा वीडियो से दी गई जानकारी ग्रहों की स्थिति किस प्रकार से आगे आने वाले समय के अंदर हमारे सामने परिवर्तन ला रही है यह सारी जानकारी उपलब्ध हुई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा तो आज के लिए इतना ही जय श्री कृष्णा जय माता दी